Live, a platform to sharing your thoughts. Platform to sharing your thoughts. Hello friends, this is Purnima Kaur here. और City Life के इस खूबसूरत मंच पे आज हम फिर मिलते हैं. हमारा शब्द संसार का ये आज तीसरा दिन है. आजकल के माहौल को देखते हुए मैं कहना चाहती हूँ, यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है. खिलौना है वो मिट्टी का, फना होने से डरता है. अजब जिंदगी की ये कैद है. दुनिया का हर इंसान रिहाई की मांग करता है और रिहा होने से डरता है. आइए मुझे दूर बुनते हैं सुकून के कुछ पल, बुनते हैं शब्दों का ताना बाना. सिटी लाइफ के इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं कुछ शब्दों के जुलाहों से, जिन्होंने अ से लेके ज तक के सारे अक्षरों को कुछ ऐसे चुना, ऐसे बुना कि बन गई एक कहानी. आज हमारा ये सेशन स्टोरी टेलिंग का है, तो शॉर्ट स्टोरी के साथ हम अपने दो विशेष मेहमानों का मैं खास तौर पे यहाँ स्वागत करना चाहूंगी. आज इस प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ हैं एक तो कविता मुखर और प्रियदर्शिनी शर्मा. ये दोनों शब्दों के बड़े भारी बुनकर हैं. मेरे को कहना चाहिए शब्दों के जादूगर हैं. कविता मुखर के बारे में बताऊं अगर, तो अभी 2017 में इनको झाबरमल पुरस्कार से नवाजा गया था. और इनकी दो रचनाएं मुझे काफी याद आती हैं. एक तो इन्होंने लिखी थी पिता की पाती पुत्र के नाम, और उसके ठीक एक साल बाद इन्होंने लिखी माँ की पाती पुत्री के नाम. इन दो को काफी सराहा गया. और वैसे तो इनको हम आए दिन दूरदर्शन पे और पे रेडियो आकाशवाणी पे देख सकते हैं. और हमारे साथ है प्रियदर्शिनी शर्मा, ये भी किसी जयपुर शहर से हैं. आप दोनों किसी, मुझे नहीं लगता किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज हैं. बच्चियन की गली अभी इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया था, और 6 ही एपिसोड हुए थे कि कोरोना ने हम कहर बरपा दिया. खैर कोई बात नहीं, बच्चन की गली में हम लोग फिर आएंगे. फिलहाल हम शब्दों के इस संसार में थोड़ा विचरते हैं और बुनते हैं शब्दों का ताना बाना. तो सबसे पहले मैं प्रियदर्शिनी आपके पास आती हूँ, और आई वुड लाइक कि आप अपना 2 लाइन का जरा इंट्रोडक्शन, सेल्फ इंट्रोडक्शन भी दें. सो दिस इज प्रियदर्शिनी. थैंक यू सो मच पूर्णिमा जी, और थैंक यू सो मच सिटी लाइफ मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए. कविता जी साथ में है, थैंक यू सो मच कविता जी, इस मंच पे आपके साथ साझा कर रही हूँ ये मंच, थैंक यू सो मच ये मौका देने के लिए. मैं थिएटर से हूँ और थिएटर इन एजुकेशन में काफी सालों से काम कर रही हूँ. स्टोरी लिखना, पोएम्स लिखना और प्लेज लिखना, यानी एक तरह से ये मेरा शौक भी है, प्रोफेशन भी है. तो राइटर हूँ, और जिसमें कई कहानी और कई प्लेज मैंने लिखे हैं, बच्चों के लिए लिखे हैं, एडल्ट लिखे हैं. बतौर अभिनेत्री भी मैंने कई प्लेज में काम किया है. और बच्चन की गली जो कॉन्सेप्ट है, जो अभी इन्होंने बताया है, एक मंथली आर्ट सीरीज है, जिसमें हम जितनी भी आर्ट है उनके जो भी एक्सपर्ट है उनसे बातचीत करते हैं. एक लाइव टॉक शो होता है. डेफिनेटली हम जल्दी उसमें मिलेंगे, और बहुत कुछ है बातें करने के लिए. पूर्णिमा जी कि आप हमको आज
हमारे दर्शकों के साथ एक शॉर्ट स्टोरी शेयर करें। तो हम इंतजार करते हैं आपकी तरफ से एक स्टोरी। थैंक यू सो मच वंस अगेन पूर्णिमा जी। आज जो मैं अपने दर्शकों को कहानी सुनाने जा रही हूँ वो हेनरी एक बहुत ही फेमस लेखक राइटर हुए हैं और इनकी बहुत अच्छी कहानी है द गिफ्ट ऑफ द मैगी। और यकीन मैंने आप लोगों को पसंद आएगी। और ये जो कहानी है ये मैगी द गिफ्ट ऑफ द मैगी दो ऐसे कपल की कहानी है जिससे पता चलता है कि प्यार क्या होता है, निस्वार्थ प्यार क्या होता है। हम प्यार ढूंढते हैं लेकिन प्यार मिलता नहीं है, प्यार की परिभाषाएं अलग अलग करते रहते हैं। ये कहानी उस प्यार की परिभाषा को, प्यार को दर्शाती है। इसलिए कहती हूँ इस कहानी को। हाँ जी, मैंने कहा आज के जमाने में जरूरत प्यार की ही है। तो चलिए सुनते हैं प्यार की। तो ये कहानी कुछ वैसे ही है। चलिए, तो आज की कहानी के मेन कैरेक्टर है जिम और बेला, एक नव विवाहित जोड़ा, न्यू मैरिड कपल, एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करने वाले। क्रिसमस का त्योहार आ रहा था, सभी एक दूसरे को प्यारे गिफ्ट देने की तैयारी में लगे हुए थे। लेकिन यहाँ तो बेला के पास कुछ नहीं था। उसके पास थे महज $1.87। बेचारी ने कितने महीनों से एक एक पैनी करके बचत कर रखी थी, लेकिन क्या करे अब जिम की कमाई भी ज्यादा नहीं थी। जिम यानी कि उसका हस्बैंड, अब कैसे जिम के लिए तोहफा खरीदे, सिर्फ $1.87। कमरे में दो खिड़कियों के बीच एक दर्पण था यानी कि मिरर। बेला विचारों में मग्न यकायक खिड़की से घूमकर शीशे के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें चमक रही थी लेकिन चेहरे की रंगत गायब हो गई थी। उसने अपने लंबे और बेहद खूबसूरत बालों को आईने में निहारा, लेकिन जिम को ये बाल काफी पसंद थे। उसको दो ही चीजें तो पसंद थी, एक अपने दादाजी की घड़ी और दूसरे बेला के लंबे बाल। बेला आईने में उन्हें निहारे जा रही थी कि कैसे वो जिम के लिए कोई गिफ्ट लाए। बेला के खूबसूरत बाल भूरे जल प्रपात की तरह चमकते हुए लहराकर लटक रहे थे, वो उसके घुटने से भी नीचे पहुंचते थे और कहीं हद तक उसके लिए कपड़ों का कार्य भी करते थे। इस तक बेला उन्हें देखे जा रही थी। अब उसने ठंडी आह भरते हुए अपने बालों को जल्दी से फिर बांध लिया और एक क्षण के लिए वो कांप उठी। फिर खामोश खड़ी रही और उसकी आंखों से आंसू टपक कर नीचे बिछी लाल दरी पर बिखर गए। उसने अपनी पुरानी लाल जैकेट पहनी और ऐसा ही हैट लगाया और पुरानी लाल जैकेट पहन के वो निकल पड़ी बाहर मार्केट के लिए और सीधा पहुंच गई मैडम सुफ्रोने, जहां पर लिखा था हर प्रकार के केश प्रसाधनों की विक्रेता। बेला जल्दी से अंदर गई। आधे घंटे बाद बेला बाहर आई आंखों में आंसू लेकर, लेकिन चेहरे पर एक चमक थी और हाथों में थे $20। बेला $20 के बदले अपने खूबसूरत घने और लंबे बाल बेच चुकी थी और अब वो निकल पड़ी जिम के लिए तोहफा खरीदने। क्या तोहफा खरीदेगी? बहुत मशक्कत की कि आखिर क्या खरीदूं जिम के लिए उसे पसंद आए। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार बेला को वो परफेक्ट गिफ्ट मिल गया जो वो जिम को दे सकती थी, साफ और सादी प्लेटिनम से निर्मित जेबी चेयर जो जिम की ही तरह कीमती और खामोश थी। अब जिम दोस्तों के सामने अपनी घड़ी को निकालने में शर्माएगा नहीं, बल्कि रात से अपने दादा की घड़ी नुमाइश कर पाएगा। बेला ये सोचकर बड़ी खुश हो रही थी कि चलो उसके पति के लिए कुछ तो उसको अच्छा तोहफा मिला। आज जिम को आने में देर हो गई थी। इधर बेला कई बार गेट पर देख चुकी थी, उसका इंतजार कर रही, लेकिन मन ही मन डर भी रही थी। अपने आप को कई बार वो दर्पण में देख चुकी थी और दर्पण में देख कर वो सहम जाती थी। वो देख ही रही थी खुद को दर्पण में कि तभी गेट खुला। उसने गेट की तरफ देखा तो जिम था। वो अंदर आया और
बेला को देखकर थम गया। थोड़ी देर के लिए बेला पे खिसक गई। वातावरण में कुछ समय के लिए जैसे मौन सा छा गया। बेला ने खुद को संभाला और जिम के पास आई। थोड़ी रुआसा सी होकर बोली, ओ डियर जिम, मुझे इस तरह मत देखो। अब मुझे अपने बालों को कटवा कर बेचना पड़ा क्योंकि क्योंकि तुम्हें तोहफा दिए बिना मैं क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं कर सकती थी। बालों का क्या है, ये तो घर की खेती है, फिर से आ जाएंगे। देखो मैं तुम्हारे लिए कितना सुंदर गिफ्ट लाई हूँ, क्या अमित ने सुंदर नहीं लगे? उसके बाल देखकर जैसे जैसे जिम बेहोश सा होने लगा। उसने अपने ओवरकोट से पैकेट निकाला और कहने लगा, डियर मुझे गलत मत समझना, मेरे विचार से संसार की कोई चीज, चाहे वो बाल कटवाना हो या कुछ और, मेरी प्रियतमा के लिए मेरा प्यार कम नहीं होगा। लेकिन लेकिन जब तुम ये पैकेट खोलोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि आखिर आखिर मैं इतना स्तब्ध क्यों हूं। बेला ने उस गिफ्ट को लिया, वो पैकेट खोला और देखकर वो शॉक रह गई। ओ माय गॉड, बेला की प्रसन्नता अचानक चीख में बदल गई, कुछ आंसू और सिसकियों में बदल गया। ये क्या, बेला ने पैकेट खोला तो उसमें उसमें थे बालों के लिए सुंदर सुंदर संगे जिनमें गोल किनारों पर जड़े हुए नग थे, महंगे महंगे जड़ाऊ हेयर ज्वेलरी जो कभी कभी बेला चाहती थी कि वो अपने बालों में लगाए। बेला उन्हें सीने से लगाती है और खरोते हुए कहती है, जिम मेरे बाल बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, देखना फिर बढ़ जाएंगे। ये कहते हुए बेला ने मेज पर रखा हुआ तोहफा आगे किया जिसे वो जिम के लिए लाई थी। जिम ने गिफ्ट खोला और बेला से कुछ कहने की बजाय काउच पर लुढ़क गया और दोनों हाथों को सराहना देकर मुस्कुराने लगा। बोला, बेला क्रिसमस के उपहारों को अभी अलग रख देते हैं, वो इस समय काम में आने के लिए बेहद अच्छे नहीं है। कैसे कहूं कि तुम्हारे ये घने केश के कंघे खरीदने के लिए मैंने मैंने अपनी सबसे प्यारी घड़ी बेच दी। बेला ये सुनकर अवाक रह जाती है और जिनको देखती रह जाती है। लेकिन फिर मुस्कुराकर उनके सीने से लग जाती है। फिर दोनों एक दूसरे को बाहों में जकड़ लेते हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन प्रेम का नया अध्याय लिखा जा रहा है, बेला और जिनके निस्वार्थ प्रेम का, इस त्यागमय प्रेम का। ये थी ओ हेनरी की कहानी द गिफ्ट ऑफ द मैरिज। आज के जमाने में बहुत जरूरी है, यहाँ पर प्यार की बहुत जरूरत है। तो पूर्णिमा जी, कैसी लगी आपको ये कहानी? वेरी टचिंग प्रियदर्शनी, आपने तो हमारे को हिला दिया अंदर से। मगर प्यार भी एक ऐसी चीज है ना कि जिसमें जब तक इतनी गहराई ना हो तो वो मजा ही नहीं आता जिंदगी का। पर दिस स्टोरी वॉज वेरी टचिंग एंड आई बिलीव कि हमारे दर्शकों को जरूर पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच प्रियदर्शनी फॉर शेयरिंग सच अ नाइस स्टोरी। अब मैं आती हूँ कविता मुखर के तरफ। कविता मुखर, आप भी अपनी एक पहले दो लाइन में अपना इंट्रोडक्शन भी दे दें जनता को हमारी, और हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं आपको, और जल्दी हम शुरू करते हैं आपकी स्टोरी। स्कूल टाइम में पढ़ी है, आज से 25-30 साल पहले, और उस समय भी बहुत प्रभावित थी। स्टोरी अपने आप में ही बहुत मायने रख रही है, बहुत गंभीर विषय, मतलब गंभीरता से लिखी हुई है हर एक संवेदना को। पर यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है, आपका डिलीवरी, आपकी जो शैली है
वो कहानी को एक नया रंग भरती है, बहुत खूबसूरत. या मैम इट्स ओके, मैं अपनी कहानी शुरू करती हूँ. का शीर्षक है दौलत. बिल्कुल शुरू कीजिए, हम इंतजार कर रहे हैं जी. घर परिवार मोहल्ले में लड्डू बटे. वह सोच रहा था कि कोई इतनी बड़ी भी नौकरी नहीं लगी उसकी, शायद सरकारी नौकरी मिल गई है इसीलिए बधाइयों का तांता लगता है. तभी उसके कानों में पड़ा, ऊंचे पद को क्या चाटना है भाई साहब, मलाईदार है ना. बस पापा के दफ्तर से आए शुक्ला अंकल पापा को कह रहे थे, माँ को भी सभी पड़ोसी ने घेरे बधाइयां दे रही थी. अब बरसेगी लक्ष्मी घर में, दिन भर दिन फिर गए आपके. उन सब की हंसी में कुछ था कि वह खुद को संभालने लगा. बचपन से दादी नानी को सुनती आई कहानियां का असर था या दादा के संग बिताए समय का, या फिर बुआ के द्वारा उपहार में प्राप्त चित्र कथा कहानियों का, या फिर मानव नैसर्गिक रूप से ही सच्चा और ईमानदार होता है कि 17 वर्षीय रमेश का लहू समाज देश और व्यवस्था को सुधारने का जोश रखता था. हो सकता है यह उम्र का ही उबाल हो, मगर रमेश ने जैसे ठान ही लिया था और राह भी निकाल लिया कि पुलिस में भर्ती होऊंगा और कभी रिश्वत नहीं लूंगा. भले ही फिर दुश्वारियों में जिंदगी गुजरे, ऐशो आराम की जिंदगी जीने की लालसा भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की जड़ है. उच्च विचार रखने वालों की मेहनत और लगन रंग लाती ही है. रमेश भी परीक्षाएं पास करता हुआ, फिजिकल मेडिकल पास करता हुआ, साक्षात्कार को पार करता हुआ, ट्रेनिंग से गुजरता हुआ, आखिरकार पुलिस विभाग में नियुक्ति पा ही गया. और 2 दिनों में ही घर में जो उत्सव का माहौल था देखने लायक था. घर में आने वालों की बधाइयों के स्वरूप से रमेश दिखने वाला नहीं था. उसे अपने मन की सफेद दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जीवन का लक्ष्य सांस दर सांस याद रहता. नौकरी लगे कोई 6 महीने हो गए थे. दफ्तर में उसके चारों ओर का वातावरण ईमानदारी के सुनहरे पर्दों में छुपा गंदगी से बजा रहा था. ये सब स्मार्ट सुंदर प्रभावी चेहरे उसे विद्रूप होते लगे. रमेश अपने सिद्धांतों पर अचल था और इसीलिए सभी को माहौल का पात्र बना हुआ था. दूसरी तरफ पुलिस विभाग में नौकरी लगते ही उसके लिए जैसे अच्छे घरों से सुंदर सुशील कन्याओं के रिश्तों की बाढ़ ही आ गई. खुशी खुशी जीवन का यह संस्कार भी निपटा. विवाहोपरांत प्रेम अंकुर फूटता पलता बढ़ता कि उसके पहले ही उसे अपेक्षाओं की नजर लग गई. बहुत भोले हैं. अरे भोले क्या कहती हो, कहो कि बुद्धू है. घर आती लक्ष्मी को कोई यूं ठकराता है भला. तुम सही कह रहे हो सखी, ए मीरा भाई तुम तो बुरी फंसी. उधर पीहर वाले भी समझाते, सर पर जिम्मेदारियों का बोझ पड़ेगा तो सारे आदर्श धरे के धरे रह जाएंगे. तू चिंता मत कर बिटिया, सब ठीक हो जाएगा, तनिक सब्र कर. अजी हमने फूल सी बिटिया दी है इसलिए कि महारानी की तरह राज करे. आज के जमाने में भी कोई इतना बुद्धू कैसे हो सकता है, जाने कब व्यवहारिक होगा. समय की अपनी गति है. अब वो गर्म खून का जोश की उम्र ढल रही थी. कोई प्रेम का सोता भी नहीं था कि सींचता थी तो बस बढ़ती हुई मांगे जरूरतें और ताने. गर्भवती पत्नी आने वाली जिम्मेदारियां गिनाती, अपेक्षाओं की तेज हवा में कन्नी खींची ही जाती, आदर्शों सिद्धांतों को ढील देने का चारों ओर से शोर बढ़ता ही जाता. पुत्री रत्न के पदार्पण के पश्चात तो जैसे उसके सिद्धांतों को जुल्म और अन्याय ही घोषित कर दिया गया. रमेश को अवसाद घेरने को उमड़ रहा था. वह अब ड्यूटी के बाद भी दफ्तर नहीं तो फील्ड में ही बना रहता. घर आने को मन तो बहुत करता परंतु हिम्मत नहीं बांध पाता. बाजारवाद के इस आधुनिक समाज ने लालसाओं को भी जरूरत की परिभाषा पहना दी थी. मगर रमेश जो अब चंचल भले न रह गया हो, धीरे धीर गंभीर पर्वत सा अपने सिद्धांतों से कस से मस न हुआ.
गांधी पथ के प्राइम लोकेशन पर एक बड़े भूभाग पर 10-12 साल से अतिक्रमण कर रखे को हटाने का आदेश आ गया था। इत्तला स्वरूप अखबार में भी मोटे अक्षरों में खबर चल चुकी थी। जगह जगह लगाए गए लाल निशान का इंस्पेक्शन करना था रमेश को। वैसे तो परिपाटी थी कि ऑफिस में बैठे बैठे ही फाइल आगे बढ़ा दी जाती, मगर रमेश फील्ड पर जाकर निरीक्षण करने लगा। सेनेटरी एंड टाइल्स की इतनी बड़ी दुकान क्यों छोड़ दी बे? रमेश कोतवाल पर घुर्राया। कोतवाल घबरा गया। वह रमेश को जानता था। करे तो मरे, न करे तो मरे। सांप छुछुंदर सी हालत में बात को लेकर बड़ी बेइज्जती हुई, हुज्जत हुई। स्टोर के मालिक ने, माथत सब इंस्पेक्टर्स ने, सब ने रमेश को समझाने की तमाम कोशिशें की। जो नियम में है उसे तोड़ूंगा नहीं, जो नियम के बाहर है उसे छोड़ूंगा नहीं। बात मुंह से क्या निकली थी कि प्रिंट मीडिया से होती थी व्हाट्सएप तक मजाकिया खुराक हो गई। नाम कम और बदनामी का डर अधिक हो, ऐसी छोटी मोटी बात तो मान भी लेता रमेश की, मगर यहाँ तो मोटा माल मिलना था। नतीजतन सारा उपक्रम तमाशा साबित हो गया। रसूखदारों ने जूती में घी खीर परोस दी थी और नियम इज्जत सब ताज पर रखकर ऊपर से लेके नीचे तक सब ने प्रसाद ग्रहण कर लिया था। रमेश की फजीहत हुई तो समाज में भी सारे सिद्धांत और नियम धूल धूसरित हो गए थे। न घड़ी की सुई रुकी थी, न ही चांद सूरज ने चक्कर लगाने छोड़े और न ही रमेश हालातों के आगे टूटा। हाँ, बदलाव कहीं आ रहे थे तो वो थे घर के अंदर। जब रमेश की चिकने घड़े की माफिक कोई असर नहीं लिया तो पीहर के लिए पराया धन हो चुकी उसकी डोली में आई थी अर्थी में जाऊंगी परंपरा वाली पत्नी ने भी थक हार कर अपना राग बदल दिया। घर में बाकी सब पैदाइश के संग ही मेहनत की रुखी सुखी खाने के आदि हो गए थे। नैनों में सुनहरे सपने लिए आई वधु चंचला तीखी पत्नी कालांतर में माँ क्या बनी, मजबूर को हालातों के आगे आवश्यकतानुसार हृदय में परिवर्तन कर ही लिया। बच्चों को ऐशो आराम नहीं तो कम से कम मेधावी थे और उनकी मांगे सीमित। रमेश का दिल जो पत्नी की मांगों के आगे सदैव कठोर बना रहा, होनहार बच्चों की जरूरतें पूरी करने को कसमसा जाता। उसूलों की राह में ऐसी ही बाधाएं परीक्षा लेती हैं सोचकर साथ के लड़के मेरी आवाज आ रही है? मुझे पता नहीं कहाँ से शुरू करना है, कहानी कहाँ तक सुनी आप लोगों ने मेरे को पता नहीं है। अभी भी आवाज नहीं आ रही? आवश्यकता अनुसार अपने हृदय में परिवर्तन कर ही लिया। बच्चों को ऐशो आराम नहीं तो कम से कम संस्कार ही मिले। बच्चे मेधावी थे और उनकी मांगे सीमित। रमेश का दिल जो पत्नी की मांगों के आगे सदैव कठोर बना रहा, होनहार बच्चों की जरूरतें पूरी करने को खसमसा जाता। उसूलों की राह में ऐसी ही बाधाएं परीक्षा लेती हैं सोचकर वह कुछ और कड़ा कर लेता जी। मनन 11वीं कक्षा में आ गया था। वह पीईटी की तैयारी करना चाहता था। साथ के लड़के बंसल या एलन में कोचिंग की बातें कर रहे थे। साल भर की 1,00,000 फीस रमेश के सामने जैसे जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई। संयोग से उन्हीं दिनों गोपालपुरा बाईपास पर सड़क चौड़ी होनी थी, अतिक्रमण हटाए जाने थे, मुआवजों का मामला अटक सकता था, बड़े बड़े बंगले बड़े बड़े शोरूम पर खतरा मंडरा रहा था, चिन्हित करने का काम चल रहा था। रमेश को जमीनी निरीक्षण करने के लिए फील्ड में जाना था। वह पशोपेश में था, एक फर्नीचर के बड़े से शोरूम के मालिक ऑफिस के चक्कर लगा रहा था। रमेश निश्चय नहीं कर पा रहा था कि अगले दिन वह कौन सा कदम उठाने वाला है, सिद्धांत या बच्चे का भविष्य। के पेंडुलम की तरह उसका मन डावाडोल था। रमेश टीवी के सामने से उठकर बालकनी में आ गया। अपार्टमेंट्स के बीच
कटे फटे बटे आसमान में चांद बेहद तन्हा लग रहा था। दूर हाईवे पर आती जाती गाड़ियों को देखता रमेश चिंतन में डूबा हुआ था कि उसे लगा मनन फोन पर बात करता हुआ शायद पापा बोला। रमेश के कान स्वतः ही पर्दे लगे खिड़की के पास जा खड़े हो गए। अरे नहीं यार, कमाल है, मैं ऐसा वैसा इंजीनियर नहीं बनूंगा। क्या वही पढ़ाई, नौकरी, शादी, फैमिली वाली बनी बंधाई धरे पर चलती जिंदगी? मैं तो अपने पापा के जैसे सिद्धांतों पर चलने वाली लाइफ चाहता हूँ, चुनौती भरी मगर आसान राहों के राही हम नहीं, हा हा हा। इसके आगे सुनने की रमेश को कहां जरूरत थी, वह तो मनन के ठहाके में अपनी सारी चिंताओं को फुर होते हुए देख रहा था। वह अंदाजा लगाने लगा कि जीवन भर रिश्वत खा खा कर भी मैं इतना दौलतमंद तो कभी नहीं हो सकता था। मीरा, ओ मीरा, क्या बस टीवी ही देखती रहती हो? यहाँ बाहर आओ जरा, देखो तो चांद कितना सुहाना लग रहा है, लगता है खीर असर दिखा रही है। मीरा के चेहरे पर मुस्कान तनिक नटखट हो चली थी। धन्यवाद, यही है मेरी कहानी। कहानी का शीर्षक था दौलत। बहुत सुंदर कविता बताई, है ना, वेरी नाइस स्टोरी, हमें मजा आ गया। आई बिलीव कि हमारे दर्शकों को भी बहुत मजा आया होगा। और सर, घड़ी की सुइयां मुझे कह रही है कि पूर्णिमा कॉल, थोड़ा टाइम को शॉर्ट करो, अपनी स्टोरी को शॉर्ट करो। तो चलिए मैं तुरंत आती हूँ अपनी स्टोरी के ऊपर। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी कि वैसे तो बेसिकली मैं आर्टिस्ट हूँ, मगर स्क्रिप्ट राइटर भी हूँ और सिनेस्क्रिप्ट भी लिखती हूँ, और मैं छोटी छोटी कुछ फिल्में बनाती हूँ, तो अपनी ही स्टोरी को मेनली लेकर के फिल्म बनाती हूँ। तो ये जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आज, इसका नाम है एहसास। इसकी एक 4 मिनट की फिल्म बनाई थी बिफोर लास्ट ईयर, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उसको अवार्ड भी मिला था एक। तो चलिए हम सीधे स्टोरी पे आते हैं। सिनारियो ये है कि एक बड़ा सा हॉल है और उसमें 6 बच्चे स्टेज पे खड़े हुए हैं, ब्लाइंड स्कूल के हैं वो, उन सब ने काला चश्मा लगा रखा है और वो सब ब्लाइंड स्कूल के बच्चे हैं, और ये लोग DAD मतलब डिसेबिलिटी अवेयरनेस डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं आज। और सामने हम अगर दर्शक दीर्घा में देखते हैं तो बाईं तरफ कुछ ब्लाइंड स्कूल के बच्चे बैठे हैं और दाहिनी तरफ शहर के बहुत सारे गणमान्य लोग बैठे हैं। फ्रंट सीट पे तो अपने जयपुर शहर के सबसे बड़े उद्योगपति बैठे हैं और बगल में उनकी पत्नी बैठी है, वो काफी हाई फाई स्टैंडर्ड की शक्ल सूरत और गेटअप से ही लगती है, उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही लगती है। तो प्रिंसिपल स्टेज पे आती है और आते ही वो लाइक ये बताती है कि थैंक्स, अभी तक आप लोगों ने हमारे बच्चों की रंग बिरंगी प्रस्तुतियां देखी, ब्लाइंड स्कूल के बच्चों की, अब ये लास्ट बट नॉट लीस्ट 6 बच्चे मेरे सामने स्टेज पे खड़े हुए हैं। ये देखने में तो बहुत छोटे छोटे हैं, सबसे छोटा बच्चा 4 साल का था, सबसे बड़ा 11 साल का था, मगर ये आपको अपनी धमाकेदार प्रस्तुति से जरूर एंटरटेन करेंगे, इस ख्याल के साथ हम इनका प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। पर उसके पहले मैं सभी आगंतुक मेहमानों से ये गुजारिश करना चाहूंगी कि इसी हॉल में पीछे की तरफ हमने डिनर का भी इंतजाम किया है, तो आप सब लोग हमारे बच्चों के साथ डिनर लेकर ही जाइएगा। और चलिए, आपके और बच्चों के बीच में अपने ज्यादा नहीं आती और हम शुरू करते हैं ये लास्ट प्रोग्राम। बस प्रिंसिपल का इतना बोलना ही था और अचानक से लाइट चली, ओ माय गॉड, सब तरफ एकदम अंधेरा छा जाता है, पूरे हॉल में शोर मच जाता है, हर कोने से आवाज आती है, अरे भाई ये लाइट को क्या हो गया, कोई चिल्लाता है ओपो पर्दे खोल लो, तो कोई वहां से दूर से बोलता है पर्दे खोल के क्या होगा, बाहर भी तो अंधेरा ही है, कोई कहता है अरे भाई जनरेटर ऑन करो, ये सब करो, और भाई ये क्या है, पंखे भी बंद हो गए, गर्मी हो गई, और सब लोग इतने परेशान हो जाते हैं। और ये जो बड़े उद्योगपति आए थे, इनकी वाइफ जो हाई फाई थी, वो टल्ला मार के अपने हस्बैंड को कहती है, तुम मुझे ऐसी जगह पे लाते क्यों, तुम्हें पता है ना मैं ऐसे नहीं जा सकती बिना एसी के, यू नो आई जस्ट कैन नॉट डू विद दैट, तो तुम मेरे को ऐसी जगह पे लाया ही मत करो। और अब सब तरफ से शोर आते, भाई कुछ तो करो, कुछ लोग अपने मोबाइल ऑन कर देते हैं, कोई लोग
गिरते पड़ते नजर आते हैं इधर उधर होने के चक्कर में, मगर जो स्टेज पे खड़े बच्चे हैं ये बिल्कुल शांत खड़े हैं। और इनके ऊपर क्योंकि वो बड़ा वाला लैंप जल दिया जल रहा था, जो शुरू में इन्होंने दीपक जलाया था, उसकी मध्यम सी रोशनी इन बच्चों के ऊपर पड़ रही है। अब प्रिंसिपल भी परेशान, जब देख लिया कि लाइट नहीं आ रही तो फिर वो दोबारा से माइक पे आती हैं और अनाउंस करती हैं कि सॉरी, हमारे पास जनरेटर की व्यवस्था नहीं होने के कारण हम आपको ये प्रोग्राम अब नहीं दिखा सकेंगे, पर मेरी आपसे इल्तिजा है कि हम सब पीछे की तरफ चले, लेट अस हैव दी डिनर फर्स्ट। तो लोग चिल्लाने लगे, आपको डिनर डिनर की पड़ी हुई है, यहाँ अंधेरे में मरे जा रहे हैं। और एक जो कुछ वॉलंटियर था आई बैंक सोसाइटी का उधर, उसने जाके जब उद्योगपति को बोला कि सर चले पीछे डिनर के लिए, तो वो उसने गुस्से में आके इसकी टाई पकड़ ली। मतलब एक तरफ से तो बीवी से परेशान हो रहा था, बीवी उसको परेशान कर रही थी, और दूसरी तरफ अंधेरा परेशान कर रहा था, गर्मी भी हो गई थी, एसी नहीं था, पंखे भी बंद हो गए थे, तो सारे लोग हॉल में बहुत बेहद परेशान थे। तो फिर वो लेडी कहती है कि भाई एक तो ये एसी भी नहीं है और पंखे भी बंद होंगे, तुमको पता है ना इतने सारे गर्मी में मेरे को मेरा बीपी हाई हो जाता है, आई जस्ट कैन नॉट डू विद इट, यू नो कुछ तो करवाओ। तो वो बहुत बेचारा जो इंडस्ट्रियलिस्ट होता है वो परेशान होता है। फिर इतने में जो हम देखते हैं कि छुन 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 की आवाज आती है, जो ब्लाइंड स्कूल के बच्चे थे वो खड़े हो गए, ह्यूमन चेन बनाई, एक 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 करके हाथ पकड़ा और वो पीछे रवाना हो गए कि चलो डिनर का अनाउंसमेंट हो गया है। और वो रवाना हो गए और हम देखते हैं कि छुन 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 आवाज को फॉलो करते हुए बाकी बच्चे भी चले गए, पीछे जाके उन्होंने प्लेट तक उठा ली। मगर यहाँ वाले लोग अभी परेशान हुए पड़े हैं। फिर जब इसकी वाइफ जोर से चिल्ला के कहती है भाई अब मुझसे तो ये अंधेरा बर्दाश्त नहीं होता, तब स्टेज पे खड़े वाले बच्चों में से एक छोटी बच्ची बोलती है, आंटी आप 2 मिनट में इतना घबरा गए, हम तो हमेशा ही ऐसे ही रहते। पूरे हॉल में सून पटक सन्नाटा, सब चुप हो जाते हैं। एक छोटे से बच्चे ने इतनी बड़ी बात की। वो कहती है अभी थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी, आप लोगों को सब दिखने लग जाएगा, पर हम तो हमेशा ही ऐसे रहते। सब चुप हो गए। अब तक उस लेडी को भी समझ में आ गई, हम क्या अपना रोना रोते रहते हैं, ये बच्चे तो किस कष्ट से गुजरते हैं। फिर दूसरा पास वाला बच्चा बोलता है, स्टेज पे खड़ा हुआ, कहते हैं रहने दो चुन्नी, ये नहीं समझेंगे। तीसरा बच्चा बोलता है जो भी 22 साल का है महज, वो कहता है याद है कामरा अंकल ने कहा था अगर सब लोग नेत्रदान करें तो कोई भी बच्चा अंधा नहीं रहेगा, फिर सब देख सकते हैं। तो छोटी सी डेजी 5 साल की वो बोलती है सच्ची मैं फिर दुनिया देखना चाहती हूँ। तो एक बिल्कुल सबसे छोटा जो 4 साल का बच्चा था वो अचानक बोल पड़ा तो सब लोग क्यों नहीं करते नेतादान। परी बोली पता नहीं क्यों नहीं करते। अब तक उस लेडी को सारी बात समझ में आई, वो वहीं से बोली मुझे पता है क्यों नहीं करते हम लोग नेत्रदान। और वो अंधेरे में गिरती पड़ती किसी तरह स्टेज की तरफ आती है, 2 सीढ़ियां चढ़ती है और 2 बच्चों को अपने आगोश में लेके हक करती है और घुटने के बल बैठ जाती है, कहती है क्योंकि हम अंधे, हमने कभी देखा ही नहीं तुम्हारा दर्द, हमने कभी महसूस ही नहीं किया तुम्हारी पीड़ा को, और हम लोग ये करोड़ों की कीमती आंखें मरने के बाद या तो जला जाते हैं या दफना देते हैं, हमने कभी तुम्हारे दर्द को समझा ही नहीं, बच्चों हम सब तुम्हारे गुनहगार। तो एक बच्ची बोलती कोई बात नहीं आंटी आज डिसाइड कर लेना। प्रिंसिपल फिर से अनाउंस करती है कि छोटे से बच्चे कितने बड़े दिल के मालिक हैं। मुझे याद आ गई डॉक्टर इंदिरा अग्रवाल की तो कविता कि उजाले की कसम ये न कहना कि हम देख नहीं सकते, तरस खाओ हम पे कि हम देख के भी कुछ देख नहीं सकते। और फिर उसके बाद लाइट आ जाती है,
लाइट जैसे ही ऑन होती है तो प्रिंसिपल अनाउंस करती हैं, हमें एक बात के लिए माफ कीजिएगा, ये लाइट गई नहीं थी वरन गुल की गई, ताकि हम और आप ये एहसास कर सके। और अगर ये एहसास आपको भी कहीं से छूट गया हो तो हमारे आई बैंक सोसाइटी वाले वॉलंटियर्स आपकी मदद करेंगे। आज नेत्रदान का संकल्प करके जाएगा, वो आपसे फॉर्म भरवाएंगे और इस तरह फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि मैंने इस पे जो फिल्म बनाई थी उसमें फिर हमने आगे ये भी दिखाया था कि टेबल पे 10-12 लोग सब कह रहे हैं अभी डिनर छोड़ो, आज तो हम नेत्रदान का फॉर्म भर के ही जाएंगे, आज तो हम ये संकल्प लेके ही जाएंगे। अभी तक की उम्र गवा दी, अब हम चेत गए, अब हम समझ गए। फिर वो कुछ अपनी जो भी क्वेरीज होती हैं, जनरल क्वेश्चन वो सब पूछते हैं और वो उनका समाधान करते हैं। इस तरीके से ये एक नेत्रदान का संकल्प लेने के लिए एक छोटा सा मैसेज था। मेरे दर्शकों से मैं कहना चाहूंगी एक बात जाते जाते, अगर आपको भी ये एहसास कहीं से छूट गया है और अगर आपने भी मन में सोचा है नेत्रदान का संकल्प किया है तो कैसे करेंगे, करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? हाँ, होगा तो नेत्रदान मरणोपरांत ही, मगर उसके लिए पहले अपने आप को कोरोना वायरस से तो बचा के रखिए। और बचा के कैसे रखेंगे? स्टे होम, सेफ रहिए, डिस्टेंस रखिए 2 गज का कम से कम। चलो जी, अब घड़ी की सुइयां मुझे कहती है अब आपसे विदा लेनी चाहिए। चलिए, यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगी जी। मैं हम लोगों ने ये आज ये मंच से मैं अनाउंस करती हूँ, हम लोगों ने, मैंने और मेरे हस्बैंड ने अपनी पूरी बॉडी डोनेशन में लिख रखी है। टाइम्स ऑफ इंडिया ऑर्गन डोनेशन का कैंप लगा था तब। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम लोग मैसेज ऑर्गेनाइजेशन वाले हम लोग ऑर्गन डोनेशन के लिए भी अवेयरनेस का काम करते हैं, आपको साधुवाद है ना। तो ये बहुत अच्छा होगा, ऐसे तो हमारा ये सफल होता है अगर 2-4 लोग भी इसके लिए मन बना लेते हैं तो। तो चलिए, जाते जाते थैंक यू अगेन। एंड मैं ये कहना चाहूंगी, सैर की खूब फिरे, फूल चुने शाद रहे, बागवान जाते हैं गुलशन तेरा आबाद रहे। थैंक यू सो मच, बाय। थैंक यू। सिटी लाइव, अ प्लेटफॉर्म टू शेयरिंग योर थॉट्स। To sharing your thoughts.